कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर 15 साल तक मध्य प्रदेश में राज कर चुकी बीजेपी पर निशाना साधा है। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के हंगामे के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता ने बीजेपी को विपक्ष में बैठने का फैसला सुनाया है, जिसे पार्टी पचा नहीं पा रही है। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के विधायकों को 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। इन्हें विपक्ष में बैठना पच नहीं पा रहा है। 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, आ जाओ। टूट फूट की पूरी कोशिश की गई। मैं तो उन विधायकों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा जिनको ये ऑफर दिए गए, मंत्री पद ले लो। मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपके सामने विधायकों को, माननीय विधायकों को प्रस्तुत करने तैयार हूं जिनके पास ये ऑफर गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिकाऊ नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी का भी जवाब आया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के जिन 3 विधायकों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है, उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि दिग्विजय आरोप साबित कर दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन पे है तो उनकी सरकार है, वो कानूनी कार्रवाई करें। वो क्यों बार बार ऐसा कह रहे हैं? उनकी सरकार है और वो आए लगातार कई दिन से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह के प्रलाप को बंद करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई कराना चाहिए। सर कह रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी उन्हें बैठाकर लेकर गए, आप और विश्वास सारंग ने मुलाकात की ढाबे में और उनको 100 करोड़ का। मैं किसी भी ढाबे पर नहीं गया हूँ। वो ढाबे का नाम का उल्लेख करें, स्थान का उल्लेख करें, वो इतनी अगर जिज्ञासा रखते हैं तो उनको ये सब करना चाहिए और बताना चाहिए। छपास के रोग के कारण से अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए और मैं मांग करूंगा कि वो कानूनी कार्रवाई करें। ये राजनीति करने का तरीका उनका होगा और यदि इल्जाम लगाएं तो प्रूफ भी करें वो कौन सा ढाबा और किस तरह से कौन उठाकर ले गया। इस तरह की शगुफेबाजी से और ये सरकार को ही ब्लैकमेल करने का मामला है। दबाव में मुख्यमंत्री आ जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं और यदि ये प्रूफ हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पहले मैं एक बात बता दूं, यदि शिवराज जी को या भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाना होता तो सबसे पहले जाके इस्तीफा ना दिए होते। अब इस्तीफा देने के बाद मैं चुनौती देता हूँ दिग्विजय सिंह जी को, यदि ये प्रमाणित कर दें, सिद्ध कर दें कि मैं किसी ढाबा में लेके गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और 100 करोड़ में आप लोग भी सब जानते हैं कि 100 करोड़ में क्या, और कोई विधायक बिकने लगे, कोई विधायक को खरीदने, ये बड़ा दुर्भाग्य है। चोर लबार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस सबका जानी। जिंदगी भर ये लोग इसी तरह की राजनीति करते आए, खरीद फरोख्त की राजनीति है, इसलिए इस तरह के आरोप हम लोग के ऊपर लगा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे दिग्विजय सिंह एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि अब तक कमलनाथ को निशाना बनाते आ रही बीजेपी दिग्विजय सिंह का तोड़ निकाल पाती है या नहीं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।